चलिए देखते हैं। आज एक नया प्रॉब्लम है, ग्लू फोल्डर का मशीन है। इसमें ये जो बोल्ट है ये पूरा टाइट है, फिर भी ये देखो एंगल कितना इधर उधर हिल रहा है, हाथ से ही हिल रहा है। तो बोल्ट को टाइट करने से भी इसको इसका यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। ये जो स्टेप है यहाँ पे जाम होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, बोल्ट इतना टाइट है। और टाइट करने से बोल्ट टूट भी सकता है, नहीं लूज हो रहा है टाइट में और नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ देखिए बेल्ट खा खा के गिर रहा है, इस साइड में बेल्ट खराब भी हो चुका है। तो इसको बनाएंगे कैसे, टाइट करेंगे वो दिखाते हैं। इसको पूरा खोल लेते हैं एक बार। और इस साइड में देखिए कितना घिसा है, बेल्ट आके यहाँ घिस रहा है, तो बेल्ट भी ख़राब हो जा रहा है। अगर ऐसे ढीला रहेगा तो चलते टाइम में तो ड्राइवेट होगा ना, तो ये तो ऐसे ऐसे करेगा, तो बेल्ट का जो अलाइनमेंट है ये इधर उधर भागता रहेगा। उसको आप बनाएंगे, पूरा टाइट करेंगे। कैसे टाइट करना है दिखाते हैं। ये जो पुराना बोल्ट था इसकी जगह में हम एक नया बोल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बोल्ट भी ख़राब हो गया। देखिए इसका थ्रेड भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसको ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। इसका दो चूड़ी है ना, ये दो से तीन चूड़ी हम इसमें घिस लेंगे, ये गैंडिंग से घिस लेंगे। तो चलिए करके दिखते हैं। देखिए अभी चूड़ी बराबर है, तो घिसने का बाद दिखा देते हैं कैसे घिसा जाता है। देखिए ये दोनों बराबर था, इसका जैसा था, हम इसका दो से तीन चूड़ी घिस लिए ग्राइंडिंग का मदद से। तो इसमें होगा क्या, तो बोल्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, तो घिसने से क्या होगा, वहाँ तक बोल्ट पहुँच जाएगा। बट लगा के देखते हैं, अगर इससे भी नहीं हो रहा तो और एक चूड़ी घिस देंगे। लगता है अभी पूरा टाइट हो गया, हाँ अभी हिल नहीं रहा, अभी हाथ से नहीं, अभी हिल नहीं रहा। तो यहाँ तक पहुँचना चाहिए बोल्ट को, बस यहीं तक।